देखा, पीएफआई कितनी बड़ी साजिश कर रही थी देश के खिलाफ, क्या साजिश? देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। साजिश तो तुम दोनों देश के साथ कर रहे हो, बीच में पीस हम जैसे लोग रहे हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। को अपने शिकंजे में लिया है, जो भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे उस। इन मुसलमानों ने भी ना देश का सत्यानाश कर रखा है। तेरा क्या बिगाड़ दिया मुसलमानों ने? तुझे क्या परेशानी है? मुझे क्या, सारे देश को परेशानी है। असल में तो मुसलमान का मतलब ही परेशानी है। ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों ने? ये रोज इतनी वारदातें हो रही हैं, ये सब इतना टीवी में दिखाया जाता है, ये सब तुझे दिखाई नहीं देता क्या? वारदातें तो क्या ये सारी वारदातें मुसलमान करते हैं? भाई साहब, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर साल 60 लाख से ज्यादा वारदात होती हैं, मतलब रोज 16,000 से ज्यादा वारदात होती हैं, 80 लोगों की तो रोज जान ले ली जाती है। अब बता, ये सारी वारदात मुसलमान करते हैं? एक बार पता कर, इन वारदातों को अंजाम देने वाले हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? तुम्हें टीवी पर गिनी चुनी घटनाओं के बारे में बताया जाता है जिसमें कोई ना कोई मुसलमान एंगल जुड़ा हुआ हो, यानी एक अंकिता का आरोपी अगर कोई मुसलमान है तो तुझे दिन रात टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन अगर किसी अंकिता का आरोपी किसी बीजेपी नेता का बेटा है, जैसा कि उत्तराखंड में है, उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया जाता। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 5 लाख कैदी जेलों में बंद हैं, उसमें से 3.25 लाख हिंदू हैं, 85,000 के आसपास लगभग 18% मुसलमान हैं, फिर बाकी धर्मों के लोग हैं। अगर सारी वारदातों को मुसलमान ही अंजाम देते हैं तो ये सारे कैदी मुसलमान होने चाहिए थे। असल में दिक्कत तेरी नहीं है, असली समस्या ये टीवी, ये मोबाइल है जिसके जरिए तुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है। टीवी देखते ही तुझे अचानक से लगने लग जाता है कि सारी परेशानी ही मुसलमानों की वजह से है, और जब अपने स्टेट की बात आती है, अपने राज्य की बात आती है, तो तुझे लगने लग जाता है कि सारी परेशानी सिर्फ एक जाति की वजह से है। एक बात बता, दो चार मुसलमानों के नाम तुझे याद हो जिसकी वजह से कभी तुझे कोई नुकसान हुआ हो या किसी मुसलमान ने तेरा कभी बुरा किया हो? मेरा तो आज तक किसी ने बुरा नहीं किया, क्योंकि मेरा तो आज तक कोई मुसलमान दोस्त रहा ही नहीं। मुसलमानों ने तेरा कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तेरे चाचा ने तो तुम्हारा पुश्तैनी मकान दबा रखा है ना। तुम्हारे ताऊ ने आज तक दादा लाई जमीन तुम लोगों को नहीं दी। चाचा और ताऊ के खिलाफ तुम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन तुम्हें दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से है ना। तू ही तो कहता रहता है कि चाचा तुम्हारे बड़े बेईमान हैं, ताऊ तुम्हारा धोखेबाज है, बुआ में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, मामी में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, बड़ा भाई बात नहीं सुनता, छोटा भाई बात नहीं मानता, चाचा का लड़का नशेड़ी हो गया, ताऊ का लड़का लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया, फूफा ने उधार लेकर पैसे वापिस नहीं दिए और दोस्तों ने कभी जरूरत पड़ने पर उधार नहीं दिया। अब बता, इन तमाम लोगों में कितने मुसलमान हैं? ये तो सारे तेरे अपने लोग हैं ना, तेरे अपने धर्म अपनी जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी तुझे परेशानी तो मुसलमानों से है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए और जिस पार्टी का तू अंधभक्त बना हुआ है ना, उसके नेताओं के जरिए 24 घंटे तेरे दिमाग में बस यही डाला जा रहा है ताकि असली परेशानी, असली समस्या का तुझे एहसास हो ही ना पाए। क्योंकि रोज तेरे जहन में ये जहर नहीं बोया जाएगा तो तुझे पता लग जाएगा कि तुझे परेशानी मुसलमानों से नहीं है, ये तेरे घर के सामने से जो टूटी हुई सड़क गुजर रही है ना, रोज जिसके ऊपर हादसे होते हैं, बाइक गाड़ी पलट जाती है, 2 हफ्ते पहले तो खुद तेरी माँ के ऊपर रिक्शा पलट गई थी, वो तो बेचारी आज भी बेड के ऊपर बैठी हुई है। अगर तुझे हिंदू मुसलमान में नहीं उलझाया जाएगा तो तुझे एहसास होने लगेगा कि तेरी बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि बिजली तो उतनी ही खर्च कर रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस, कोचिंग का खर्च, किताबों के रेट, रसोई का बजट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, चाय, आटा, दाल, नमक, मिर्च, मसाला सब महंगा होता जा रहा है। यहां तक कि अपनी ही बैंक के एटीएम से अपने ही पैसे निकलवाने के लिए तुझे पैसे देने पड़ रहे हैं ताकि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के घोटालों से हुए बैंकों के नुकसान की भरपाई तुझसे की जा सके, लेकिन तुझे तो इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया जा रहा और तुझे होगा भी नहीं क्योंकि तू तो बहुत अमीर है। परेशानी तो तुझे सिर्फ मुसलमानों से है।
मेरे भाई, कम से कम तुझे तो ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि तू तो हरियाणा से है, ओबीसी कैटेगरी से आता है। खट्टर सरकार ने तुम लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया, तुम लोगों के बच्चों के वजीफे खत्म कर दिए। जिन स्कूलों में तुम्हारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कॉलेज से साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम खत्म की जा रही है। MBBS की फीस को 20 गुना बढ़ा दिया गया है। कैसे पढ़ेंगे तुम लोगों के बच्चे? नौकरियों को पंसारी की दुकान पर सामान की तरह बेचा जा रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तुम्हारे स्टेट में। घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में क्राइम इतना बढ़ गया है कि गांव-गांव में गैंग बन रहे हैं, घर घर में नशे के अड्डे बन रहे हैं। लेकिन तुम्हें समस्या खट्टर सरकार से थोड़े है, तुम्हें तो ये बताया जाता है कि समस्या तो सारी मुसलमानों की वजह से है और हरियाणा में एक जाति की वजह से है, जाटों की वजह से है। कहीं मुसलमानों से नफरत, कहीं जाटों से नफरत, कहीं यादवों से, कहीं सिखों से। पूरी दुनिया में हजारों बार आजमाए गए घिसे पिटे फॉर्मूले के तहत तुम लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कब समझोगे? सब कुछ बर्बाद होने के बाद